एसीबी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शेरगढ़ विद्युत विभाग के कार्यालय में छापा मारकर सहायक अभियंता के वाहन चालक गणपत लाल शर्मा व सहायक अभियंता सुरेश चौधरी को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि ये राशि विषया राशि कम करने की एवज में मांगी गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल शर्मा ने बताया कि परिवादी मनोहर सिंह एसीबी के पास शिकायत दी कि सहायक अभियंता सुरेश कुमार विषया राशि कम करने की एवज में 15,000 की मांग कर रहा है। मामले का सत्यापन होने के बाद एसीबी ने परिवादी को रुपए लेकर सहायक अभियंता के पास भेजा। सहायक अभियंता सुरेश कुमार ने राशि अपने वाहन चालक को देने को कहा। परिवादी वाहन चालक को रुपए दे दिए। वाहन चालक के रुपए लेते ही एसीबी ने छापा मारकर वाहन चालक गणपतलाल शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिलहाल एसीबी सहायक अभियंता सुरेश कुमार वे उनके वाहन चालक गणपतलाल शर्मा से पूछताछ में जुटी है। मनोज सिंह, परिवादी मनोज सिंह ने परसों बाड़मेर मेरे कार्यालय में आकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि मेरे मेगा आयो के एक होटल है, उसमें जो पानी की मोटर है उसका वीसी भरा सुरेश चौधरी AN शेरगढ़ में, और मुझे फिर कहा कि भाई इसमें तेरे को 2-3 लाख रुपए लगेंगे। तो उसने कहा भाई इतने पैसे मेरे पास नहीं, मेरे से मामूली पानी की मोटर है छोटी सी। तो इसने कहा कि नहीं, इसके एवज में आपको मुझे रिश्वत देनी होगी 50,000 रुपये, तो मैं कम करूँगा। इस पर तय हुआ 20,000 की वीसी भरेगा और 20,000 रिश्वत के ले लिए उसमें। फिर इसने रसीद कटा दी। उसके बाद लगातार ये सुरेश चौधरी इसे वापस फ़ोन करके पैसे लेने की तकाजा कर रहा था कि बाकी पैसे दो, बाकी पैसे दो। फिर जब मेरे पास आया जब वेरिफिकेशन हमने कराया, उस दरमियान इसने AN आज पानी 5,000 रुपये ले लिए और आज ट्रैप का आयोजन किया, और जिसमें आज ये रंगे हाथों रिश्वत देते गिरफ्तार हुए। मेरे क्या VCR बनने आए थे, कोई मैंने मोटर ले रखी थी 2 नंबर में, तो इन्होंने पकड़ लिया था मेरे को। मेरे को डराने लगे 1.5 लाख की 2 लाख की VCR भर दूंगा, तो मैं इस डर के चक्कर में फिर मैंने इनसे आटाजोटी करी, तो इन्होंने मेरे से 50,000 की रिश्वत मांगी। फिर ये 15,000 तो आज मैंने दिए, जिसमें पकड़ में आ गए। अच्छा, किन को दिया आपने? मैंने दिए AN साहब को, लेकिन AN साहब ने हाथ में लिए नहीं। जितने उनका ड्राइवर आ गया तो ड्राइवर ने, तो उन्होंने AN साहब ने कहा ड्राइवर को दे दो, तो मैंने ड्राइवर को दे दिए और फिर वो रंगे हाथों पकड़ में आ गए। अच्छा, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड के बैनर तले आज दोस्ती गेट के बाहर केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा व राज्यसभा में लाए गए नागरिकता संशोधित बिल तथा महंगाई बेरोजगारी के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह का पुतला दहन कर विरोध जताया। कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड नेता गोपी किशन ने बताया कि भाजपा की केंद्र निहित NDA सरकार देश की जनता को मूलभूत समस्याएं बेरोजगारी महंगाई सहित समस्याओं समाधान करने के स्थान पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को बांटने वाली कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि बिल देश के विभाजित करने की साजिश है। मोदी सरकार अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं। जो वादे चुनाव से पूर्व जनता से किए थे, उन वादों को दरकिनार कर नागरिक संशोधित बिल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख गिरेगी, क्योंकि बिल धर्मनिरपेक्ष को नुकसान पहुंचाने वाला है। आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था केंद्र सरकार का कंट्रोल नहीं हो रही है, वहीं महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। इस पुतला दहन के दौरान सोहन कड़ेला, हमीबू रहमान, मोहन सिंह, सोहन मेहता सहित कई लोगों ने संबोधित किया। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड MCPIU लोकसभा में जो नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है, जो राज्यसभा में भी पास हुआ है, इस बिल का पूरा विरोध करती है। ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, शहीद भगत सिंह जैसे लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया, संघर्ष किया, देश को आज़ाद किया और एक संविधान देश का बनाया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को नरेंद्र मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार नष्ट करने जा रही है। यह संविधान का सीधा उल्लंघन है और इसी उल्लंघन के कारण आज आप देख रहे हैं कि आसाम हो या पूर्वोत्तर के राज्यों, तमाम जगहों के ऊपर आगजनी हो रही है, संघर्ष हो रहा है,
पुलिस के माध्यम से उनको पीटा जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है और वहां पर हिंसा का माहौल बन गया है। ये हिंसा का माहौल पूरे देश में बनेगा। दोहाउट कस्बे में 5 करोड़ से लागत से बनने वाले CSC भवन का शिलान्यास समारोह आज दोहाउट विधायक कृष्णाराम विश्नोई के मुख्य अतिथि में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कृष्णाराम विश्नोई ने कहा कि लोहाउट में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा के साथ साथ बिजली पानी सड़कों का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इससे पूर्व अस्पताल परिसर में वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ नए भवन के निर्माण के लिए विधायक कृष्णाराम विश्नोई द्वारा शिलान्यास किया गया। और अंत कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा, लोहाउट प्रधान भागीरथ बैनीवाल, सरपंच धन्नी देवी सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण मौजूद रहे। आपने जिम्मेदारी दी, मैं लगातार पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। आप सबको मालूम है कि पिछले एक साल से जब से सरकार बनी है माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, चुनाव के ऊपर चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर दूसरे चुनाव आ गए, फिर अभी म्युनिसिपलिटी के चुनाव, फिर पंचायतों के चुनाव, आचार संहिता के ऊपर आचार संहिता। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन से कमान राजस्थान की संभाली तीसरी बार, एक एक करके योजना को, जन कल्याणकारी योजना को जमीन पर उतारने का हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। नेपाली समाज के सुदूर पश्चिमी अली नेपाली समाज भारत राजस्थान जोधपुर समिति द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय पहल करते हुए शिवानजी गेट स्थित रावणा राजपूत समाज के स्वर्ग आश्रम के सदस्यों के सहयोग से 3 सेट लगवाया गया। समिति के अध्यक्ष राम बहादुर साउद ने बताया कि प्रवासी नेपाली समाज के किसी भी परिवार में मृत्यु हो जाने पर इसी स्वर्ग मास में अंतिम संस्कार किया जाता है। इस हेतु समाज ने ये कार्य करने का बीड़ा उठाया। समाज ने शमशान में 3 सेट लगाने के लिए राशि कोषाध्यक्ष माधु सिंह बाटी व राजेंद्र सिंह यादव को भेंट की। इस अवसर पर समाज के सचिव दिल बहादुर मल, उपाध्यक्ष दिलीप नागरी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पुलिस महानिरीक्षक रेंज जोधपुर के निर्देशानुसार यातायात पुलिस ने वाहनों के आगे लगे बम्पर हटाने के विशेष अभियान शुरू किया। यातायात प्रभारी ओम सिंह हिंगलाजदान चारण बोम सिंह भाटी की टीम ने आज पुलिस थाने के आगे विशेष कैंप लगाकर वहां से गुजर रहे वाहनों को रुकवाकर दस्तावेज चेक किए। इसके साथ ही इस दौरान 30 वाहनों से बम्पर हटवाए गए। इस कैंप के दौरान 13 वाहनों के चालान भी बनाए गए। इसके साथ ही 2 वाहन सीज किए गए।